भाई साहब, व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, अब हम आए हैं मैकडोनल्ड्स में। सो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम आ चुके हैं मैकडोनल्ड्स में और हम यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे, हम लेंगे ऊपर वाले फ्लोर से एंट्री। तो ये है हम फर्स्ट फ्लोर पे गाइज, और अब लेते हैं फर्स्ट फ्लोर से एंट्री मैकडोनल्ड्स के अंदर, क्योंकि भाई साहब जो सीटिंग एरिया है वो ऊपर का ही है। एंड गाइज, ऑर्डर करने के बाद ये है हमारा बिल जो आ चुका है। सो गाइज, हियर इज आवर ऑर्डर, और आज का देखते हैं कैसा रहेगा सारा का सारा मील। तो गाइज, ये हमारा आ चुका है ऑर्डर, और सबसे पहले हमारे सामने है कोका कोला मसाला वाली, और साथ में है ये बटर पनीर ग्रिल्ड बर्गर, जो कि भाई साहब अभी तक हमने ट्राई नहीं करा है। और देखते हैं गाइज कि आखिर ये कैसा रहने वाला है। इसके अंदर शाही पनीर की ग्रेवी, जो मुझे लग रहा है कि वही ग्रेवी निकलने वाली है। और भाई साहब, गाइज आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़िया बन लग रहा है इसका। मतलब इस पर यार जो ये ब्लैक ब्लैक कलर के वो रखे हैं, तिल कहते हैं शायद से गाइज, तो ये जो ब्लैक कलर के तिल हैं, तो ये मैंने पहली बार देखे हैं किसी बन के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने से भी। और इसमें से अनियंस बाहर निकल रही हैं, और इसमें एक पैटी है, और गाइज ये पनीर वाला है। तो देखते हैं कि इसमें पनीर कितना होगा। यार पनीर तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब गाइज ये जो पैटी है, ये पूरी की पूरी पनीर की ही पैटी है, और बढ़िया से इन लोगों ने बनाकर दिया है। सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा है यार, टेम्प्टिंग एकदम। OMG गाइज, मैं आपको बता नहीं सकता इसमें से क्या फ्लेवर आ रहा है यार। मुझे लगा थोड़ा सा मसाला डाल के इन लोगों ने कुछ नया क्रिएट करा होगा, लेकिन गाइज ये तो वो सोडा शिकंजी वाला है भाई साहब, जो आपके यहाँ पे जो सोडा शॉप्स होती होंगी आसपास में, ये बिल्कुल वैसा फ्लेवर दे रही थी। गाइज अब ट्राई करते हैं इनका बर्गर। ओ वाओ गाइज, मतलब इसमें से जो पनीर की फिलिंग आ रही है ना, पूरी की पूरी पैटी है भाई साहब पनीर की है। मतलब ये पूरी पैटी पनीर की है गाइज, और क्या ज़्यादा से ज़्यादा पनीर का ही फ्लेवर आ रहा है, और ये टैंगी फ्लेवर भी आ रहा है क्योंकि इन लोगों ने टैंगी सॉस डाली है। ये देखो गाइज, आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी पैटी ही भाई साहब पनीर की थी, और इन लोगों ने पनीर की पैटी को फ्राई करा हुआ है, उसके ऊपर तंदूरी मेयोनीज डाली है, उसके साथ में फिर अनियंस डाली हैं बस। और यार टोमेटो तो डालने बंद ही कर दिए इन लोगों ने। मतलब मैं आलू टिक्की में भी टोमेटो से कितना बढ़िया हो जाता था, लेकिन गाइज आप सब जानते हो कि अब टोमेटोज नहीं आते हैं उसके अंदर। और गाइज काफ़ी ज़्यादा फीका फीका सा फ्लेवर आ रहा था, तो अब इसे ट्राई करते हैं केचप के साथ, कि केचप के साथ भाई साहब ये बर्गर कैसा लगेगा, क्योंकि गाइज सीरियसली काफ़ी ज़्यादा फीके फ्लेवर जा रहे हैं इसके अंदर से। और अब ट्राई करके देखते हैं केचप के साथ। गाइस केचप से फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं इसके अंदर, और पहले ऐसे फ्लेवर्स नहीं आ रहे थे, लेकिन अब फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गए हैं मतलब इसके साथ। तो आई मस्ट रिकमेंड कि गाइस, अगर आप ये पनीर बटर पनीर ग्रिल बर्गर ले रहे हो, तो इसके साथ में भाई साहब केचप ज़रूर लेना, और केचप से ही इसमें बढ़िया फ्लेवर्स बन रहे हैं। और गाइस ये जो मसाला वाली कोला है, ये तो भाई साहब कट गया इसमें तो, मतलब गजब, ये तो बेहद ही कटा है, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। ये बिल्कुल वो सोडा शिकंजी वाली लग रही है, जो हमारे घर के पास वो 5-5 रुपए वाले ग्लास मिलते हैं ना गाइज, ये वही वाली है सेम एज इट इज़। मतलब एक कोला के अंदर इन्होंने मसाला क्या डाल दिया, मुझे लगा कि कुछ चेंज होगा, पर गाइज बिल्कुल वही। तो गाइज अब इस पूरी मील को अपनी कर लेते हैं ख़त्म। और गाइज अगर जो आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो अभी के भी वीडियो को लाइक कर दो, और अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो गाइज दिस इज अप, और आज के ब्लॉग में बस भाई इतना ही। और आज हमने पहली बार ट्राई कराया गाइज ये पनीर बटर ग्रिल्ड बर्गर, और हमारा उसके साथ में इनकी मसाला ड्रिंक, जो कि गाइज जस्ट लाइक एक सोडा वाली ड्रिंक थी। गाइज वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके बताओ कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, और आपको ये वाला बर्गर भी कैसा लगता है अगर आपने खाया है तो। सो गाइज मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड लक।